हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ ललित। क्या यही चाहती है हापुड़ की जनता? जी हां, हम बात कर रहे हैं हापुड़ की जनता की लापरवाही की। अभी कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है और विशेषज्ञों द्वारा तीसरी लहर आने की पूरी संभावना बताई जा रही है, और शासन प्रशासन भी जनता से बार बार अपील कर रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें ताकि कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोका जा सके, लेकिन जनता में इसको लेकर पूरी तरह लापरवाही देखी जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद हापुड़ के कोठी गेट क्षेत्र की, जहां लोगों द्वारा कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस कदर लोग बिना मास्क के ठेला लगा रहे हैं, दुकानदार बिना मास्क के सामान दे रहे हैं, और तो और ग्राहक भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और ना ही 2 गज की दूरी का पालन किया जा रहा है। इसको देखकर लगता है कि जनता पुनः कोरोना कर्फ्यू लगवाना चाहती है। दिन रात प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन जनता है कि मानने को तैयार ही नहीं है। अगर इन लोगों द्वारा अपनी आदत को नहीं बदला गया तो तीसरी लहर आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से पूरे हापुड़ की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ हलचल। नमस्कार। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।